नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एम जेड के। और आपको बता दें, जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज होती जा रही हैं, और जिस तरह से आपको बता दें कि पहली तारीख को जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। खास बात करें तो मसौली विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर नितिन गडकरी जी आए थे जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और जिस तरह से आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी दर्शन सिंह जी जो है लगातार यहां पर रैली कर रहे हैं, और डोर टू डोर कैंपेन यहां पर आपने देखी होगी। कोई पहाड़ हो, कोई नदी हो, नाला हो, हर घर ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हम जाने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है न्यूज़ एम जेड के में आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, हमने जिस तरह से हम रोज देखते हैं आपकी वीडियोस, फोटोज आते हैं कि आप कोई घर ऐसा नहीं, घर है कोई गांव ऐसा नहीं जहां पर आप जा नहीं रहे, आप हर जगह पहुंचने की कोशिश कर, क्या 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 कहते हैं? हमारा जो प्रचार प्रसार का काम है वो हम पूरा जोर शोर से चल रहा है। मेरे साथ पूरे हमारे जो मंडलों की टीम है, जिले की, हमारे जो जितने भी संगठन के लोग हमारी पार्टी के होते हैं, सभी जोर शोर से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और मैं भी डोर टू डोर और अलग अलग नुक्कड़ सभाएं हर प्रकार की हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हर कम से कम हम हर मोहल्ले तक, हर वार्ड तक हम पहुँचें। और इस प्रकार से हम हर जगह जा रहे हैं। सभी जगह हमारी माताओं बहनों का, हमारे युवा साथियों का, हमारे बुजुर्गों का बहुत ही स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सबका कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, भारी संख्या में लोग वहाँ एकजुट होकर हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, आज नितिन गडकरी जी आए थे यहाँ पर, इतनी भारी जनसभा को आज संबोधित किया है, आज आपको इतना प्यार यहाँ पर मिल रहा है, क्या सर यहाँ से क्या उम्मीदें जा रही हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमान नितिन गडकरी जी का कि जिन्होंने एक छोटे से ग्रह पर अपना कीमती समय निकालकर महानपुर के अंदर आज वो आए। आज जो यहाँ रैली थी उसको महारैली की जो शक्ल दी है उन्होंने, उनके आने से आपने देखा होगा जनसभा, बहुत ही लोग यहाँ पे आए थे। और पूरे हमारी विधानसभा के महानपुर, धार महानपुर, हमारा शीतल नगर ब्लॉक, बनोड़, हाट माशका, कोर, धारपुर से हर इलाके से लोग आए थे। तो भारी संख्या में सभी लोगों ने आज मुझे अपना से आशीर्वाद दिया, और इस जो रैली थी इसको महारैली का रूप दिया। सर, 1 तारीख को चुनाव है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं सभी अपने विधानसभा के लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। कमल का बटन दबाकर अपने बेटे, मुझे अपना बेटा, अपना दोस्त, अपना साथी समझ के मुझ पर अपना आशीर्वाद दें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोई नेता, कोई MLA बन के नहीं, आपका बेटा बन के काम करूँगा। और जो बाहर के लोगों ने हम पे 28-30 साल राज किया है, ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 60 साल बाहर के लोगों ने ही यहाँ पर राज किया है। तो ना जिनका राशन कार्ड यहाँ था, ना जिनका वोटर कार्ड यहाँ था, तो उन लोगों ने सिर्फ हमको जात पात में बांटा, शहर गाँव किया, और हमारे लोगों का कोई विकास नहीं किया। आज आप स्थिति देखेंगे, जहाँ जहाँ मैं अभी प्रचार प्रसार में गया था तो रोडों की बहुत बुरी हालत है, आज तक लोगों को चलने के लिए रास्ते भी नहीं मिले हैं। तो अब इन्होंने जितना लोगों को गुमराह करना था कर चुके, अब इनका समय खत्म हो चुका है। दर्शन सिंह जी, अगर विधानसभा क्षेत्र से विजय रहते, क्या आश्वासन लोगों के लिए रहेगा, और खासतौर पर किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? मैं अपने विधानसभा के लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी हमारी मसौली विधानसभा के हित के लिए काम होगा, भलाई के लिए काम होगा, हम वही काम करेंगे। और हमारी सबसे ज़्यादा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि मसौली को जिला बनाना, जिला बनाएंगे, जहाँ पे जो टूरिज्म है उसको, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। आज भी गडकरी साहब से मेरी बात हुई है कि हमारे जो रणजीत सागर डैम है, यहाँ पे कोई क्रूज़ वगैरह का भी दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन दिया कि आप आइए, मैं ये आपको टूरिस्ट का भी दूंगा प्रोजेक्ट यहाँ पे, और टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे कि जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। जैसे लद्दाख में होम स्टे का काम है, यहाँ भी होम स्टे का काम को भी बढ़ावा मिले, हमारे टैक्सी वालों को, हमारे होटल वालों को, हर लोगों को रोज़गार मिले, और हमारे युवा साथियों को खेलने के लिए स्टेडियम वगैरह की व्यवस्था हो। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो स्कूलों में टीचरों की कमी है, उन टीचरों की कमी को पूरा किया जाएगा, जो डॉक्टरों की कमी है उनको पूरा किया जाएगा। हर प्रकार से हम पूरा प्रयास करेंगे कि मसौली को एक विकसित विधानसभा बन सके। जोड़े माता रोड को लेकर लोगों की बड़ी पुरानी मांग है, क्या देखते हैं, किस तरह से आप उस पर कार्य कर रहे हैं? आज हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी आए थे, मेरा उनको यहाँ लाने का भी यही मकसद था कि उनका आशीर्वाद स्नेह हम पे रहे, और उनके लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में आप देखना, 5 साल में भगवान ने चाहा तो हम पूरा रोडों का जाल बिछाएंगे। रोडों की ही मेन समस्या है हमारी विधानसभा में, तो उसको हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आने वाले 5 साल बाद कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ रोड ना पहुँचे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे दर्शन सिंह जी जो कि भाजपा प्रत्याशी, और खासतौर के उन्होंने बात की है कि जो कमियां हैं तो ये डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं वो इन्हें पता चल रही हैं। और इन्होंने खासतौर के ये आश्वासन दिया है कि जो पूरी नज़र है वो बसोली विधानसभा क्षेत्र की और तरक्की की ओर होगी। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ चैनल।